हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटेसी 11 प्रेडिक्शन में। सो गाइस, कल वीओ प्रो कबड्डी में पुनेरी पल्टन और तेलुगु टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। तो आप सभी लोगों के लिए लेकर आए उसकी ड्रीम 11 की टीम स्टार्टिंग 7 न्यूज़ के साथ। सो गाइस, इस वीडियो में हम डीपली कवर करेंगे दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बारे में, क्या परफॉर्मेंस रहा है और क्या रिसेंट यहाँ पे स्कोर्स रहे हैं। सो गाइस, बात करें दोनों टीम्स की, तो दोनों टीम्स का इस सीजन में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा, दोनों टीम्स ने स्ट्रगल किया है जीतने के लिए। जहाँ पे पुनेरी पल्टन्स की बात करते हैं, नितिन तोमर को फिर से झटका लगा, उसके कारण वो लास्ट दो मैच से नहीं खेल पा रहे। अगर वो फिट नहीं हो पाएंगे तो कल का मैच भी वो मिस कर जाएंगे, तो उनके जगह पर आपको फिर से अमित कुमार रीडिंग सेक्शन के अंदर दिखेंगे। अगर नितिन तोमर फिट रहता है तो गाइस मोस्ट प्रॉब्ली अमित कुमार के जगह पर वो आ जाएंगे और दोस्तों यहाँ पे मेन रोल की भूमिका निभाएंगे। अगर नितिन तोमर फिट नहीं हो पाते तो अमित कुमार कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, आदि ताजिक और ग्रीष्मूर्ति अन्नायक मेरे हिसाब से दो यहाँ पे कॉर्नर प्लेयर्स रहेंगे। तो सुरजीत सिंह और बाला साहेब यादव इस टीम के दो कवर प्लेयर्स रहेंगे। अमित कुमार, मंजीत और गाइस पंकज मोहित इस टीम के तीन मेन रेडर्स हो सकते हैं। सो गाइस, पंकज मोहित पिछले मैच के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए थे, लेकिन उसके पहले के हर एक मैच में 5 से ज्यादा पॉइंट्स उन्होंने दिलाए थे। बहुत ही शानदार एक यंग रेडर है, क्या पता कल के मैच के अंदर फिर से अपने फॉर्म को वो अंदर ले लें। सो गाइस, ये है पुनेरी पल्टन्स की स्टार्टिंग 7। ऑन पेपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने में नहीं लगती, लेकिन सुरजीत सिंह और यहाँ पे ग्रीष्मूर्ति अन्नायक चल जाएंगे तो ये टीम डिफेंस में बहुत ही शानदार कर सकती है। बाला साहेब ने लास्ट दो मैचेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, एक में 4 पॉइंट्स और एक में यहाँ पे 6 पॉइंट्स, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको करते हुए दिख सकते कल के मैच के अंदर भी। और अगर नितिन तोमर फिट हो जाएंगे तो अमित कुमार के जगह पर नितिन तोमर आ जाएंगे, बाकी और कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। और नितिन तोमर के गैरहाजिरी में यहाँ पे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा है मंजीत ने, ऐसा मेन रेडर। सो गाइस, बात करते हैं तेलुगु टाइटंस की, तो अबोजर मेघानी और विशाल भरद्वाज बहुत ही शानदार प्लेयर से दोनों कॉर्नर संभालेंगे। जहाँ पे विशाल भरद्वाज बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं और लास्ट 5 से 6 मैचेस में का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। सूरज देसाई, सिद्धार्थ देसाई और यहाँ पे अमित इस टीम के तीन मेन रेडर्स रहेंगे। अमित की जहाँ पर टीम चाहिए तो यहाँ पे किसी और पे वो ट्राई कर सकते, जो रंजीत सिंह के पास ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके अलावा गाइस, सी अरुण और फराद मिलकरत इस टीम के दो कवर प्लेयर्स हैं। फराद मिलकरत ने लास्ट 4 या 5 मैच से परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार दिखा और हर मैच के अंदर परफॉर्मेंस आपको अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। सो गाइस, ये दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7। अभी बात करेंगे ड्रीम 11 टीम की, तो ड्रीम 11 टीम की बात करने से पहले हम जान लेते हैं प्ले स्टॉक 11 की टीम। तो अगर आपने प्ले स्टॉक 11 एप्लीकेशन अब तक नहीं डाउनलोड किया, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूं, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, बहुत ही कम लोग यहाँ पे खेलते हैं तो आपकी विनिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो मैं खास करके आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रो कबड्डी आप आकर खेले और बहुत ही शानदार आप विन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो, मेरे रेफर कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको 50 रुपये का बोनस मिलेगा। उसके अलावा गाइस, आपको 11 रुपीज यहाँ पे मिलेंगे वेलकम बोनस के रूप में, मतलब आपको 1 रुपये भी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास 11 रुपीज आ जाएंगे तो उस 11 रुपीज से ही खेल सकते हैं और 50 रुपये का बोनस उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको 200 पैसे डिपॉजिट करके खेलने हैं, बड़े बड़े लीग्स खेलने, तो वो भी कर सकते हैं। सो गाइस, कल के मैच की टीम की बात करूं तो मैंने टीम बना के रखी, थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजीियर था क्रेडिट मैनेज करना यहाँ पे। तो रेडिंग की बात करूं तो यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई और पंकज मोहित के साथ ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छे अवेलेबल है, जैसे कि पंकज की आप सूरज देसाई ले सकते हैं या फिर आप अमित कुमार को भी ले सकते हैं। अगर नितिन तोमर खेलेंगे तो आपके लिए वो भी अच्छी चॉइस बन सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल के लिए पंकज मोहित के साथ जाऊंगा क्योंकि मेरे हिसाब से सूरज देसाई से बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। ऑलराउंडर्स मैंने पिक किया दोस्तों यहाँ पे मंजीत को और फराद मिलकरंदन को। फराद मिलकरंदन के जहाँ पर ले सकते हैं आप सूरज देसाई को, या फिर यहाँ पर ले सकते हैं आप नितिन तोमर को, लेकिन यहाँ पर मैं जाऊँगा फराद मिलकरंदन के साथ ही। डिफेंडर्स की मैं बात करता हूँ, विशाल भरद्वाज और सुरजीत सिंह आपके लिए दो मेन और ऑप्टिकल चॉइस रहेंगे। बाकी मैंने यहाँ पर बाला साहेब को पिक किया क्योंकि लास्ट दो मैचेस में परफॉर्मेंस इनका बहुत ही शानदार है। आप इनके जहाँ पर किन को ले सकते हैं, आप इनके जहाँ पर ग्रीष्मूर्ति अन्नायक को ले सकते हैं या फिर आप रेडिंग सेक्शन के अंदर से सूरज देसाई को भी ले सकते हैं। सो गाइस, ये मेरी टीम है। जहाँ पे मैं कैप्टन की बात करता हूँ, मंजीत को यहाँ पे मैं कैप्टन रखूँगा, मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे सिद्धार्थ देसाई। आप कैप्टन वाइस कैप्टन सिंपली स्वैप कर सकते हो, आपका प्रेफरेंस रहेगा, लेकिन मैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन रखूँगा। सो गाइस, ये मेरी टीम बन जाती है प्ले स्टॉक 11 की। तो अगर आपने प्ले स्टॉक 11 एप्लीकेशन अब तक नहीं डाउनलोड किया, आप नीचे कमेंट सेक्शन से और डिस्क्रिप्शन में से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कॉम्पिटिशन है, तो आपके लिए विनिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 50 रुपये का कैश बोनस मिलेगा, 11 रुपये का वेलकम बोनस मिलेगा, तो आपको 61 रुपये से बहुत ही शानदार विनिंग अपन निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप डिपॉजिट करके खेलना चाहो, डिपॉजिट करके भी खेल सकते हैं। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अब तक नहीं जुड़े हो, नीचे आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको गाइस टॉस के बाद आपको अपडेट्स मिल जाएंगे टीम्स के बारे में और आपको फाइनल अपडेट यहाँ पे टीम में प्रोवाइड करवा देते हैं। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अब तक नहीं जुड़े हो, जाकर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको इस हर मैच के फाइनल अपडेट टीम्स आप मिल जाएंगी और विनिंग टीम्स आपको मिलेंगी। मेरे सब्सक्राइबर्स आप अच्छा खासा विन कर रहे हैं, तो आप इजीली विन कर सकते हैं। जो टीम से मैं खेलूंगा वही सेम टीम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा, तो अगर मैं विन करूँगा तो आप भी अच्छा विन करोगे। तो लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पे गाइस ड्रीम 11 फैंटेसी प्लेशन टेलीग्राम चैनल का। तो अगर वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लिंक से नहीं ज्वाइन कर पा रहे, आप सिंपली सर्च करो टेलीग्राम पे आके ड्रीम 11 फैंटेसी प्रेडिक्शन, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स आप मिलेंगी, बिल्कुल 1 रुपये भी आपको मैं चार्ज नहीं करूँगा, बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेंगी। जो टीम्स मैं ही खेलूंगा वही टीम्स आपको मिलते रहेंगे। आप 10 में से 7 से 8 मैच इजिली विन कर पाओगे मेरे गाइडलाइंस के अनुसार। यहाँ पर मैंने गाइडलाइंस भी पिन करके रखा, आप देख सकते हैं पूरा गाइडलाइंस मैंने आप लिखा रखा कि आपको क्या करना है, कैसे लीग ज्वाइन करना है, कब लीग ज्वाइन करना है, कौन से ऐप्स पर खेलना है। तो ये बहुत ही अच्छा गाइडलाइंस आपके लिए मैंने लिखा रखा, जिसको मैंने पिन किया टेलीग्राम पर। तो अगर आप इस टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लोगे तो आपको गाइडलाइंस भी हेल्प करेगा बहुत ही शानदार विन
करने के लिए. सो गाइज फाइनली बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की. तो ड्रीम इलेवन टीम जो मैं बना रहा था गाइज, यहाँ पे कुछ लिमिटेड ऐसे प्लेयर्स जिनको आपको लेना बनेगा, बाकी छः या सात ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है लास्ट दो या तीन स्पॉट्स के लिए. उसको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अपने दिमाग यूज़ करते हुए लेना है. सो गाइज जो मेन प्रेफरेंस रहेंगे मोस्ट प्रॉबली मेरे हिसाब से जो सबका चॉइस रहेगा, वो एक तो मंजीत रहेंगे फ्रॉम पुनेरी पल्टन, बिकॉज पुनेरी पल्टन है सॉरी हाँ सॉरी पुनेरी पल्टन, मंजीत पुनेरी पल्टन की तरफ से. और यहाँ पे गाइस सिद्धार्थ देसाई फ्रॉम तेलुगु टाइटन, तो ये इंपॉर्टेंट चॉइस रहेंगे क्योंकि दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है. बाकी डिफेंडर्स में से गाइस विशाल भरद्वाज और यहाँ पे सुरजीत सिंह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. तो ये चार प्लेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडिंग और डिफेंडिंग सेक्शन से. बाकी तीन प्लेयर्स आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लेना. आपके जो तीन प्लेयर्स रहेंगे वो आपको पूरा डिसाइड करेंगे क्योंकि ये चार प्लेयर्स आपको 99% टीम्स में दिखेंगे, लेकिन वो जो तीन आप प्लेयर्स लोगे वो पूरा गेम पेल के जाएंगे. सो इस बात का तो अभी ऑलराउंडर्स की, तो क्योंकि फराह मिर्ज़ा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया आपके लिए एक चॉइस बचते हैं. मैं आपको लास्ट तीन स्पॉट्स के लिए चॉइसेस बता रहा हूँ. फराह मिर्ज़ा ने परफॉर्मेंस अच्छा किया वो आपके लिए अच्छी चॉइस है. पंकज मोहित है, सूरज देसाई है, फिर ये तीन तो मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस है. फिर इसके अलावा आपके लिए अबोसर मेघानी है, गिरीश मूर्ति अरनैक है, बाला साहब है. ये छः चॉइस आपके लिए अवेलेबल है और तीन स्पॉट्स आपके लिए अवेलेबल है. आपका प्रेफरेंस है कि आपको किन को लेना है. सीआर उनको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, इनको आप अवॉइड करो तो आपके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. एस कृष्णा को सजेस्ट नहीं करता, फिर यहाँ पे मैं अमित कुमार को सजेस्ट नहीं करूँगा, फिर यहाँ पे ये वाले अमित कुमार को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा. तो ऑप्शन आपके लिए लास्ट तीन चॉइस के लिए सिर्फ छः ऑप्शन है, चार को मैंने आपको एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे. तो इन छः में से आपको तीन को लेना है. तो मैंने किन तीन को लिए आपको मैं बता देता हूँ. मैंने यहाँ पे पिन तीन लिया है बाला साहेब को, मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है फराह मिर्ज़ारंदन को, और यहाँ पे मैंने पिक किया गाइस पंकज मोहिते को. तो ये मेरी टीम बन जाती है. यहाँ पे मैं कैप्टनसी की बात करता हूँ, मंजीत को कैप्टन और वाइस कैप्टन सिद्धार्थ देसाई को रखा है. ये मेरी फाइनल टीम रहेगी. इस टीम में आप क्या सिंपली चेंजेस कर सकते हैं, बाला साहेब की जहाँ पर आप लेना चाहे गिरीश मूर्ति अरनैक आप उनको ले सकते हैं, या फिर फराह मिर्ज़ारंदन की अगर आप लेना चाहे किसी और रीडर को जैसे हो जाते हैं यहाँ पे सूरज देसाई आप उनको ले सकते हैं, और बाला साहेब की जहाँ पर भी सूरज देसाई को ले सकते हैं. तो छोटे मोटे बदलाव आप कर सकते हैं. जो आपके टॉप चार आइडल पिक्स रहने चाहिए वो रहेंगे मंजीत, विशाल भरद्वाज, सुरजीत सिंह और यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई. और लास्ट की तीन स्पॉट्स के लिए आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बदलाव कर लेना, लेकिन ये मेरी फाइनल टीम रहेगी. सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना. इस वीडियो को लाइक की मदद सिर्फ 200 लाइक्स का, तो 200 लाइक्स कंप्लीट यहाँ पे करवा देना. इस अपडेटेड टीम आपको मिल जाएगी कल के मैच के टेलीग्राम चैनल के अंदर. आपको टॉस के बाद आपको अपडेटेड टीम वहाँ पे मिल जाएगी. तो बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अब तक नहीं जुड़े हो, अगर आप जुड़ना चाहते हो लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसके अलावा गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में प्लेयर स्पॉट का, बल्लेबाजी का, प्ले स्टॉक 11 का, मैच ऑन का, माई टीम 11 का बहुत ही अच्छे अच्छे एप्लीकेशन का लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिए है. वो सारे एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड अब तक नहीं किए, अगर डाउनलोड करना चाह रहे हो जाकर डाउनलोड कर लेना. हर एक अपडेट्स आपको मिल जाएंगे गाइस टीम्स के बारे में टेलीग्राम के अंदर. टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना. सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक. सो गाइस अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी प्रोडक्टिव या फिर अच्छा लगा हो या फिर कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करके सर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा. बाय बाय.